लोकसभा चुनाव के बीच अचानक भाषण देते हुए मंच पर बेहोश हुए नितिन गडकरी। राजनीति में मच गया भयंकर बवाल। जी हाँ, आपको बताया चले कि महाराष्ट्र के यवतमाल में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते हुए मंच पर अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल के पुसद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर बोलने के दौरान ही वह अचानक लड़खड़ाने लगे और अचानक से बेहोश होकर मंच पर ही गिर गए। वहाँ पर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कई पार्टी कार्यकर्ताओं को नितिन गडकरी के चेहरे पर पानी छिड़कते हुए और उनसे रिपीटरों ने मंच से दूर ले जाते हुए देखा गया। पहले चरण के चुनाव में नागपुर से भाजपा के उम्मीदवार नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना नेता राजश्री पाटिल के लिए प्रचार कर रहे थे, जो यवतमाल वासिम लोकसभा सीट से सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के उम्मीदवार है। जी आपको तय करे जिस तरीके से नितिन गडकरी अचानक से भाषण देते हुए मंच से गिर पड़े, उसके बाद से राजनीति में बहकर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल नितिन गडकरी की सेहत पूरी तरह से ठीक है और वे दूसरे जनसभा को संबोधित करने के लिए निकल पड़े। तब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।